हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हाय, यस पाटिल, श्रद्धा, आलोक, पल्लवी, श्रद्धा चौधरी, वासु, बाकी लोगों को पता नहीं है कि आज टेस्ट पेपर डिस्कशन होने वाला है ना। हाँ आलोक, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, यस पाटिल। चलो ठीक है, कुछ नहीं, अपन अभी एक एक क्वेश्चन को उठाते हैं और एक एक क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो पता है मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना अपना पेपर साथ में रखो और तुरंत चेक करो और मुझे एक बताओ। हम लोग तो यहाँ पर चेक करेंगे ही, आप लोग भी चेक करके मुझे बताना आपके अभी के अभी कितने नंबर आने वाले। ओके, तो पेपर, यस पाटिल, तुम्हारे पास में अभी सांगा मला, यस पाटिल, श्रद्धा जायसवाल के पास होगा नहीं, आलोक तुम्हारे पास पेपर है बेटा, हाँ सर है। उसको बाहर निकाल के रखो, अभी साथ में सॉल्व करते हैं। पल्लवी के पास नहीं होगा, श्रद्धा चौधरी के पास नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से करते जाएंगे। राधिका टेस्ट पेपर देने क्यों नहीं आई बेटा? राधु, यार तबीयत खराब है मेरी, क्या तबीयत खराब है। नेक्स्ट टाइम से बेटा याद रखो, जो आज पेपर हुआ था हम अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है? वासु, तुम क्यों नहीं आए थे बेटा? पेपर देखे जाओ, उससे क्या होता है, अगर आप लोग पेपर नहीं दोगे तो सेल्फ एनालिसिस कैसे कर पाओगे? अगर आपको लगता है कि मैं पीडीएफ सेंड कर दूं तो पता है क्या होगा, घर पे जो हम पेपर सॉल्व करते हैं पीडीएफ से, वो बात अलग होती है, और क्लास में जो फीलिंग आती है वो, उसमें कॉम्पिटिशन रहता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो वो फीलिंग को बेटा जाने मत दो तुम, उसकी तुमको आदत रहनी चाहिए। ओके वासु, कोई बात नहीं, गेट वेल सून, जल्दी से हो जाओ, थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो बच्चों को है, बच्चे के सर ही बीमार हो जाते हैं, तो सोचो अब जब कोच ही तुम्हारा बीमार हो सकता, कोच तो अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो तो हो ही सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का, हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छे से सिलेक्टेड खाना या कुछ भी नहीं खाना है। ये जो सीजन होता है, खास करके ये बरसात और जब ठंडी स्टार्ट होगी ना, इसका जो जंक्शन वाला पीरियड है ना, यहाँ पे काफी वायरल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो सर्दी खांसी बुखार बहुत ही कॉमन है ये। तो बेटा थोड़ा सा अपने आप को संभालो, ध्यान रखो, ये सब भी करने के साथ साथ हमको पढ़ाई भी करना है, तो दोनों को बैलेंस करो, मैनेज करो, हेल्थ को भी रखो बट पढ़ाई करो, ठीक है ना? चलो आई विश जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक, कोई बात नहीं। तो हमने जो टेस्ट पेपर लिया था बेटा, वो उसके ऊपर था अपना किंगडम एनिमिलिया का हाफ पार्ट के ऊपर लिया था मैंने, सिर्फ नॉन कॉर्डेट्स के ऊपर, यानी किंगडम एनिमिलिया के हम दो पार्ट पढ़ते हैं, पहला होता है नॉन कॉर्डेट और दूसरा होता है कॉर्डेट। तो आज का जो पेपर था वो सिर्फ नॉन कॉर्डेट्स का था, कॉर्डेट का अगले मंडे को होगा, और पेपर अगर मैं अनाउंसमेंट नहीं भी कर पाया ना, हर मंडे को पेपर होगा ही, हर मंडे को पेपर होगा, मैं अनाउंस करना भूल भी जाऊं तो आप ऐसा मान के चलो कि अपना ये स्ट्रिक्ट रूल बन गया कि मंडे को आपका रेगुलर पेपर होगा। ओके चलिए, ओके ओके, आलोक क्या कह रहे हैं बेटा आप? हाँ वासु, बिल्कुल बिल्कुल, वासु बोल रही है आई वेलकम नेक्स्ट टाइम, यू आर मोस्ट वेलकम, बिल्कुल आइए बेटा। आज पढ़ाऊंगा नहीं मैं, पेपर डिस्कशन करना है मुझे, तो आप चाहो तो तुरंत अपने पेपर्स निकाल के चेक करते जाओ, और जिसके पास पेपर नहीं है वो यहाँ पर, क्योंकि बेटा यही तो है जो आपने जितना पढ़ा है ना, अगर आप चाहो तो ये पेपर को देख के आप लगभग पता है पूरा नॉन कॉर्डेट रिवाइज कर सकते हो, हर एक जगह से क्वेश्चन लिया गया, कुछ बचता ही नहीं है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलो, अरे फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है हमारा बाथ, कॉमन बाथ स्पॉन्ज इज, ये क्वेश्चन फाइलम पोरीफेरा का है, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आप पढ़ते हैं। स्पॉन्जिला को हम बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया को बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया का एक और नाम होता है स्पॉन्जिया या यू स्पॉन्जिया, इसी को बोलते हैं टर्कीज बाथ स्पॉन्ज या बाथ स्पॉन्ज, टर्की में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका नाम होता है टर्कीज बाथ स्पॉन्ज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड। तो आज के बाद याद भी कर लो, कॉमन बाथ स्पॉन्ज का नाम बताइए जल्दी से, बोलो कॉमन बाथ स्पॉन्ज, यूज़ जिसको नहीं आता वो आज की बात फिर से रिवाइज कर सकता है नॉन कॉर्डेट को। चलिए आगे चलते हैं,
हाइड्रा हाइड्रा क्या है? सबको पता है हाइड्रा सिलेंट्रेट है, सबको पता है ये डिप्लोब्लास्टिक है ना, और सिमेट्री कैसी है? रेडियल है, हम सबको पता है। तो अपने को हाइड्रा में ट्रिप्लोब्लास्टिक वाले ऑप्शन तो नहीं करना है, जहां पे ट्रिप्लो लग गया ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि पोरीफेरा सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। तो पहले हम ऑप्शन, हमारी अप्रोच क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो सबसे पहले हमको कौन से ऑप्शन हटाने हैं जहां पर ट्रिप्लो लग गया ये तो हो ही नहीं सकते ना, हमको सिर्फ बात करनी है डिप्लो वाले की। तो देखो डिप्लोब्लास्टिक सही है, रेडियल सिमेट्री भी सही है, आसिलोमेट भी सही है, ठीक है डिप्लोब्लास्टिक। बाइलेटरल गलत हो गया बेटा, क्योंकि हाइड्रा सिलेंट्रेट में आता है और सिलेंट्रेट की सिमेट्री क्या होती है? रेडियल, जबकि यहाँ पे क्या दिया है? बाइलेटरल। तो ये भी गलत हो गया, मतलब फर्स्ट नंबर का सही है। ओके, तो जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन हाइड्रा, उसका फर्स्ट नंबर का ऑप्शन सही है, आप देख सकते हैं। आगे देखो थर्ड है, नेमेटोसिस्ट टेक पार्ट इन। अगर हम फाइलम सिलेंट्रेट पढ़ते हैं तो फाइलम सिलेंट्रेट का एक और नाम होता है निडेरिया, उसको पता है क्यों ये नाम दिया गया? क्योंकि इसमें नेमेटोब्लास्ट सेल्स होते हैं, नेमेटोसाइट होते हैं, नेमेटोसिस्ट होते हैं, और ये इसका क्या होता है? स्टिंगिंग ऑर्गन होता है, यानी ये पॉइजनस होते हैं, काटते हैं, और इनमें हिप्नोटॉक्सिन जहर भी होता है, पॉइजन होता है, ठीक है। तो ये किस लिए होता है? आप खुद ही सोचो ना, किसी चीज, किसी के पास अगर कोई पॉइजनस स्ट्रक्चर है तो वो काय के लिए होता है? ऑफेंस और डिफेंस के लिए होता है, अपनी रक्षा करने के लिए होता है, अटैक करने के लिए होता है। हम इसकी बात करते हैं, तो नेमेटोसिस्ट टेक पार्ट इन ऑफेंस एंड डिफेंस करता है, सही बात है, फूड को कैप्चर भी करता है, ये दो मैच कर गया तो लोकोमोशन भी करता है, तो इसका जवाब हो जाएगा बेटा ऑल द अबव। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे अगर सिर्फ सेलुलर लिखा होता तो हम आंसर क्या देते बेटा? पोरीफेरा। सेल के बाद लास्ट वर्ड क्या है? टिश्यू। आखिरी वर्ड जो उसी को आपको फॉलो करना है, टिश्यू लेवल का किसमें है? सेल टिश्यू लिखा है, इसका मतलब भी क्या होता है? टिश्यू लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसमें होता है? सबको पता है किसमें होता है, जल्दी से बोलो बेटा किसमें होता है? हाइड्रा। वेरी गुड, हाइड्रा, क्योंकि हाइड्रा इज द एग्जांपल ऑफ सिलेंट्रेट, और हमको पता है कि सेलुलर होता है पोरीफेरा में, टिश्यू लेवल का होता है, या आप ऐसे बोलो सेल टिश्यू लेवल का होता है सिलेंट्रेट में, और टीनोफोरा में भी क्या होता है? सेल टिश्यू होता है, और जो आपका फ्लैट बॉम है उसमें उसमें टिश्यू ऑर्गन का होता है, या तो आप ऑर्गन बोलो या टिश्यू ऑर्गन, और उसके बाद वालों में ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम होता है। ओके, वेरी गुड आंसर। चलिए कॉम्ब प्लेट्स अकर्स इन, सबको पता है किसमें होता है? ये टीनोफोरा में होता है, टीनोफोरा ऑप्शन नहीं है तो उसका एग्जांपल पहचानना है अपने को पहचानना है, ये तो सिलेंट्रेट है, ये एनेलिडा है, ये भी सिलेंट्रेट है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लूरोब्रैकिया। टीनोफोरा का एग्जाम्पल क्या होता है? प्लूरो ब्रैकिया, या टीनोप्लेना, नाम सुना है कि नहीं सुना है? पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। आगे हम बात करते हैं मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस और मेटामेरिक सेगमेंटेशन दोनों में अंतर है। मेटाजेनेसिस क्या होता है बेटा? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अगर आप सिलेंट्रेट की बात करोगे तो उसमें एक ओबेलिया होता है, इसमें दो अवस्थाएं होती हैं, पहली कौन सी होती है? पॉलिप, दूसरा मेडुसा। तो पॉलिप क्या करता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेडुसा बनाता है, और मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बनाता है? पॉलिप बनाता है। तो ये एक तरीके का क्या हो रहा है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी पॉलिप ने मेडुसा बनाया, मेडुसा ने पॉलिप बनाया। चलो देखते हैं, तो ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ये किसका मतलब होता है? मेटाजेनेसिस का। अब देखते हैं क्या होता है, ये वाला मैच नहीं करेगा, दो फॉर्म होते हैं, मतलब दो फॉर्म तो बहुत जगह होते हैं, डिफरेंट फॉर्म। ये पॉइंट भी सही हो सकता है कि पॉलिप और मेडुसा दो फॉर्म है, लेकिन ये तो बहुत जगह होता है, हम में भी दो फॉर्म है, एक मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है, इसलिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जैसे मैंने बोला अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो आंसर इसका ये हो जाएगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज। असेक्सुअल फेज मतलब पॉलिप से मेडुसा का बनना, और सेक्सुअल मतलब मेडुसा से पॉलिप का बनना, इसी को हम बोलते हैं पीढ़ी का एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो साथ में चेक करते रहो बच्चों, आप भी, तुमको जो भी लगता है मैं लास्ट में स्कोर पूछूंगा। अगला क्वेश्चन है अपना, विच ग्रुप ऑफ एनिमल
रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल, याद करो सेक्सुअल किसमें हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ टीनोफोरा में हो रहा था। तो अपने को टीनोफोरा पहचानना है, मिल तो गया, पूरी फेरा नहीं, ये नहीं ये नहीं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों होता है, सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों होता है इन सब में, लेकिन टीनोफोरा में क्या होता है, ओनली सेक्सुअल। मैंने आपको बोला भी था, इसको याद कर लेना, एनसीईआरटी की लाइन का क्वेश्चन है बेटा ये, अच्छे से पढ़ना कि टीनोफोरा में जो रिप्रोडक्शन है डन बाय ओनली सेक्सुअल मीन, ठीक है, ओके ओके। अगला है अपना रीजनरेशन पावर सबसे ज्यादा किसमें देखी गई, ये तो आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हो बेटा, सबको पता है प्लान एरिया में रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, आप जिसके जितने टुकड़े कर दोगे हर एक टुकड़े से एक नया प्लान एरिया बन जाएगा, ओके। चलिए श्रद्धा चौधरी बेटा, समझ में आ रहे क्वेश्चंस? यस सर। जब भी तुमको लगता है राधु बराबर, हाँ सर, आवाज में कुछ है, दर्द है राधिका, पेन में उसको फीवर है, क्योंकि आपकी आवाज से पता चल जाता है। अब मेरा तो पता है, एक पेरेंट्स और टीचर दो लोग ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों का फीवर भी ट्रांसफर अगर होता होता ना ऐसे मेरे ऊपर हो जाए तो मैं ले सकता हूँ। हमारे बच्चे हेल्दी रहना चाहिए और उनको बराबर पढ़ते रहना चाहिए। ये मैं सिर्फ डायलॉग मारता हूँ, तुम सोचो कि अपना बुखार मुझे ट्रांसफर कर दो, ठीक है, ये सिर्फ मजाक तक सीमित है। अगला है अपना इन इकाइनोडर्मेटा द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज, भाई ये तो इंसेक्ट में होता है, ये अपने एनेलिडा में होता है, ये हेमिकोर्डेटा में होता है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, नन। इकाइनोडर्मेटा में कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन या सिस्टम होते ही नहीं है, एनसीईआरटी की लाइन से उठाया गया क्वेश्चन है ये, वहां पे लिखा हुआ है कुछ भी नहीं होता है, ये बहुत ही प्रिमिटिव होता है, फिर भी ये ड्यूटेरोस्टोमी यानी हमारे करीब क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें एंटेरोसील होती है, इकाइनोडर्मेटा हेमिकोर्डेटा और हम कॉर्डेटा, हम तीनों में एक चीज कॉमन है एंटेरोसील, इस वजह से हम तीनों भाई भाई लगते हैं। अगला टेबल आ गया बेटा, टेबल आ गया, टेबल गिव द करेक्ट मैच इन द फॉलोइंग, चलो सबको पता है फ्लेम सेल फ्लैट बॉम्ब, अब फ्लैट बॉम्ब का एग्जांपल क्या है इसमें प्लान एरिया, तो ए के सामने आर कहां पे आ रहा है, सब पे आ रहा है, यानी यहां पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो क्या, इस पॉइंट पर सब बराबर हो गए तो ये पढ़ना बेकार हो गया। अब हम बात करते हैं कॉलर सेल्स की, अब कई लोगों को कॉलर सेल्स नहीं पता हो, चलो जाने दो, अब ये तो पता होगा ना स्टिंगिंग सेल नीडोब्लास्ट जो कि सिलेंट्रेटा में होता है जिनसे ये काटता है, चलो अगर आपको ये भी पता है ना तो आप इसको टिक किससे करोगे, हाइड्रा से, सी के सामने क्यू किस में आ रहा है, सी के सामने क्यू इसमें आ रहा है बेटा, ऑटोमेटिक आंसर ये हो जाएगा। अब बी के सामने पी आ जाएगा, बी के सामने पी आ जाएगा, ठीक है मुझे तो ठीक है पता है, आपको नहीं पता है तो भी आप दो पॉइंट अगर मैच कर गए तो भी आप क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हो, क्यों कर सकते हो बेटा, पोरीफेरा की जो सेल बाइलेयर था ना, आउटर लेयर क्या था पिनेकोडम, अंदर वाला लेयर क्या था क्वाइनोडम, क्वाइनोडम की सेल्स को बोलते हैं कॉलर सेल्स, जिसमें क्या होते हैं फ्लैजिल्ला होते हैं, ठीक है, तो कॉलर सेल कहाँ होते हैं, स्पॉन्ज, मतलब पोरीफेरा मतलब क्या स्पॉन्ज, तो ये इसका वन आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो बच्चों आगे बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम इज फर्स्टली कंप्लीटेड इन विच फाइलम, बोलो बेटा अब तो बोलना पड़ेगा, पहली बार एनिलिडा, क्या एनिलिडा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही बात है ये, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे अपीयर हुआ था, उसके पहले कहाँ था यार, उसके बाद आगे डेवलप होता चला गया, हाँ खुला था बनता वो नहीं, ओपन था या क्लोज था उसकी बात नहीं कर रही, कंप्लीट था इसकी बात चल रही है, ठीक। कंप्लीटेड इसमें हुआ, ओके ये हो गया अपना। अगला है अपना एनिमल ग्रुप विथ स्यूडोसिलोमेज, सबको पता है राउंड बॉम में क्या होता है, स्यूडोसिलोम होता है, बहुत बार पढ़ा दिया कि अब तो आपको किंगडम एनिमल या मतलब भर गया आपके बॉडी में, ऐसे नहीं ठूस ठूस के भर देते, ले भाई और भर गया और भर गया। अब बताओ स्यूडोसिलोम किसमें होता है राउंड बॉम में, पहचानो राउंड बॉम कौन है इसमें, पहचान कौन, नेमेटोड्स, निमेटोडा, नीमा मतलब धागा, इसलिए तो हम राउंड बॉम को थ्रेड बॉम भी बोलते हैं, धागे जैसे होते हैं ना, धागे जैसे, तो बोल दो ना नीमा मतलब धागा थ्रेड, तो इसको हम थ्रेड बॉम भी बोलते हैं। तो कई बार क्या है क्वेश्चन आपको पता तो चल जाता है कि राउंड बॉम में स्यूडोसिलोम होता है, लेकिन बच्चे ये नहीं पहचान पाते हैं, तो मैंने बोला ना राउंड बॉम का नाम ही है,
एस्केलमिंथीज या नेमेटोडा। चलिए किसका शेयर मार्केट आगे चल रहा है, किसके क्वेश्चन ज्यादा चल रहे हैं आगे करेक्शन में, बोलो कुछ भी, कौन चेक कर रहा है, घर पे बैठे हो आप लोग, कुछ भी बोलते रहो। अगला क्वेश्चन, विच वन इज ऑल्सो कॉल्ड हुक बॉम्ब, हुक बॉम्ब किसको बोलते बेटा? एंकाइलोस्टोमा। एंकाइलोस्टोमा बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आलोक के, जवाब बहुत शानदार है, क्योंकि हो जाएगा पिन बॉम्ब, ये हो जाएगा जायंट इंटेस्टाइनल बॉम्ब, और ये इसके लार्वा का नाम हो जाएगा, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, एंकाइलोस्टोमा। हुक बॉम्ब का दूसरा नाम क्या है ये। चलो अगला, विच वन इज मरीन, कौन सिर्फ समंदर में रहता है, अपने नदी तालाब का तो उसको मन ही नहीं करता है, सिर्फ समंदर में रहना है, कौन है ये कमबख्त, विच इज मरीन। अब भाई अपना जो अर्थ होम है वो तो अपने मीठे पानी में रहता है, हीरोडो। अच्छा नेरिस मिल गया ना, नेरिस याद करो, जब हमने एनिलिडा पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि लगभग सभी मीठे पानी या डैम सॉइल नमी वाली जगह पर रहते हैं, सिर्फ नेरिस क्या है, एक्सक्लूसिवली मरीन, ये नेरिस सिर्फ समंदर के अंदर ही रहता है। एनसीईआरटी पढ़ो, आंसर निकालो। चलिए आगे, विच वन इज द सी माउस, हमने घरों में चूहे देखे होंगे, ये अपना वाला माउस होता है, चूहा चूहा, ठीक है। अब सी माउस समुद्री चूहा किसको बोलते हैं, जल्दी बोलो आलोक। एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट, आप गूगल करके इनके फोटोज भी देख सकते हैं, एफ्रोडाइट को हम बोलते हैं सी माउस। चलो आगे चलते हैं, लीच, लीच को बोलते हैं जरूर जरूर लीच, ये जानवर जब जाते हैं ना ऐसे बरसात के टाइम पर अक्सर देखी जाती है, चिपक जाती है, मैंने एक फोटो डाला था अपना लीच का, याद है? हाँ सर, बहुत बुरी शकल थी उसमें डाला था ना, हाँ बस वही वाला। तो लीच क्या है बेटा, खून पीती है, खून पीने वालों को बोलते हैं हम सैंग्वीवोरस, और ये एक्टोपैरासाइट भी है, क्योंकि ये पैरासाइट है बट ये बॉडी के आउटर सरफेस पे रहता है, जबकि जो आपके वॉर्म्स हैं वो बॉडी के अंदर होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं एंडोपैरासाइट। तो आपका जो लीच है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सैंग्वीवोरस एंड एक्टोपैरासाइट। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा बेटा, बोथ, आंसर क्या आ जाएगा ऑटोमेटिक, बोथ आ जाएगा, ये समझ लगा बराबर, जल्दी से बोलते जाओ बेटा। अगला, बायलैटरल सिमेट्री ठीक है, और ब्लास्टोपोर से माउथ बनाओ ठीक है, और ट्रू सिलोम है, ये तीन प्रॉपर्टी किसमें होती है, कौन बोलेगा मुझे, किसमें, बायलैटरल सिमेट्री, ब्लास्टोपोर, माउथ एंड, देखो ये तीनों पॉइंट किस लागू हो सकते हैं बेटा, एनिलिडा पर भी लागू हो सकते हैं, लेकिन देखो इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, इसमें ब्लास्टोपोर से माउथ नहीं बनता है, इनमें क्या बनता है, ब्लास्टोपोर से एनस बनता है, यानी इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और अपना क्या है ये कॉर्डेटा, हम लोग किसमें आते हैं, हम लोग किसमें आते हैं, ड्यूटेरोस्टोमिया, यानी ब्लास्टोपोर से एनस बनता है, वो पूछ रहा है कि बायलेटरल सिमेट्री हो, ठीक बात है, और ब्लास्टोपोर से माउथ बना हो, एनस नहीं बना हो, और सीलोम भी हो, ठीक है। तो देखो भाई, सीलोम भी है, बायलेटरल ब्लास्टोपोर से माउथ, इसमें सीलोम नहीं है, फ्लैट बॉम में सीलोम नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, एनिलिडा, आंसर क्या हो जाएगा, एनिलिडा, क्योंकि बायलेटरल सिमेट्री तो बेटा सब में है, इनमें ब्लास्टोपोर से माउथ किसमें बना, इसमें, बाकी समय ब्लास्टोपोर से क्या बना है, क्या बना है, एनस, एनस, इसमें कुछ होते नहीं ब्लास्टोपोर, ठीक है, इसकी बात ही मत करना, इसमें भी इसको छोड़ देना, तो वो सीलो आपको अगर एक मैच कर जाएगा, ट्रू सीलोम होना चाहिए और ब्लास्टोपोर से माउथ बनेगा, तो ये, क्योंकि ये भी आप कर सकते थे बट इसमें सीलोम नहीं है, तो आंसर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये, क्योंकि ये दोनों तो किससे हैं, ये जो दोनों आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ये, तो इसका मतलब ये है कि ब्लास्टोपोर से एनस बनता है, वो तो इसके लिए आंसर होंगे, ब्लास्टोपोर से माउथ इन दोनों में बनेगा, इन दोनों में बनेगा, लेकिन वो पूछ रहा है कि सीलोम भी होना चाहिए, तो फ्लैट बॉम क्या होता है, आसिलोमेट, तो आंसर क्या होगा 100% एनिलिडा। अगला, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज फाउंड इन, यानी इनकम्प्लीट मतलब जहां पर सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी, तो ऑर्थोपोडा में तो कंप्लीट है, एनिलिडा में कंप्लीट है, हाँ अभी देखो ये आ गया प्लेटी एलिमेंथीज, यानी फ्लैट बॉम, तभी तो इसमें क्या होता है, ब्लाइंड सैक प्लान होता है, और इसमें एक ही ओपनिंग होती है बेटा। चलो आगे,
इन ऑर्थ्रोपोड्स द बॉडी कैविटी इज कॉल्ड, सबको पता है क्या बोलेंगे ऑर्थोपोडा की बॉडी कैविटी को, अब आप सीलो मत बोल देना बेटा, इसके बॉडी में खून भर जाता है तो हम क्या बोलते हैं हीमोसील। अब आपके लिए क्वेश्चन क्यों लेके आया मैं, लोग बोलेंगे सीलोम, सीलोम तो सबके लिए कॉमन है यार, सीलोम तो ऑर्थोपोडा में भी सीलोम है, एनिलिडा में भी सीलोम है, मुझ में भी सीलोम है, सीलोम तो सब में है, लेकिन जब किसी सीलोम में ब्लड भर जाता है मतलब ब्लड कंटेनिंग सीलोम इज कॉल्ड हीमोसील, समझ गए ना, और जिसमें हीमोसील है मतलब उसका सर्कुलेटरी सिस्टम भी कैसा होता होगा आलोक सांगा मला लवकर, क्या होता open. होगा ओपन ओपन, वेरी गुड वेरी गुड। चलो मैलपीजियन ट्यूबल्स देखते ही कर दो, कॉकरोच का क्वेश्चन है ये, इंसेक्ट का क्वेश्चन है, ऑर्थोपोडा का है, भैया ये क्या करता है एक्सक्रीशन करता है, तो इसमें रेस्पिरेशन वाले ऑप्शन तो हटा दो पहले तुम, अब दो बचते हैं एक्सक्रीशन वाले, एक लिखा है इंसेक्ट और एक लिखा है एनिलिडा, तो भाई एनिलिडा में नहीं करता है ना, मैलपीजियन ट्यूबल किस में होते हैं इंसेक्ट में होते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट मैलपीजियन ट्यूबल, मतलब कॉकरोच का भी क्वेश्चन बन रहा है ये, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी समझो आप। स्वार्मिंग इज फाउंड इन, झुंड किस में रहता है, कौन से इंसेक्ट है जो झुंड में आते हैं, तो आपने देखा होगा दुनिया में सबसे बड़ा टिड्डी दल होता है जो लोकस्टा है ना, ये इतनी तादाद में आते हैं कि जिस खेत पर बैठते हैं उस खेत का सर्वनाश कर देते हैं, पूरा चौपट कर देते हैं, खा जाते हैं, जब ये आते हैं तो अंधेरा छा जाता है, इतनी तादाद में आते हैं, आप डिस्कवरी पे कभी देखना है इसको, बाप रे बाप बहुत डेंजर। तो लोकस्टा ये देखो भाई, बाकी सब शेर है ना, शेर अकेला आता है, झंड में कौन आता है, गीदड़, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर इनकी बहुत बड़ी तादाद होती है, और ये जिस खेत पर बैठ गए ना उस खेत का जो भी क्रॉप थी पल भर में चट कर जाते हैं, सोचो हमसे भी ज्यादा तेज खा जाते हैं ये, आप रसगुल्ला इतनी स्पीड से नहीं खाओगे, जितनी स्पीड से ये पूरे खेत की क्रॉप को सपा चट कर जाएंगे, नष्ट कर देंगे, खा जाएंगे, टिड्डी दल बोलते हैं उसको लोकस्टा को हिंदी में, टिड्डी दल दुनिया का सबसे बड़ा ये स्वार्म है मतलब ग्रुप है। हाँ पायरेला क्या है, अरे एग्जाम्पल है बेटा, कुछ तो ऐसे ही पढ़े रहते हैं, मैं भी भूलता जा रहा हूँ कौन सा रोज पढ़ाने को मिलता है, जो अपने को क्वेश्चन करना है वो कर दो, ऐसी ग्रुप का एग्जाम्पल है, अब मुझे भी याद नहीं आ पा रहा है, इन्हीं में से किसी का एक एग्जाम्पल होगा, या मैंने या किसी बुक ने ऐसे उठा के डाल दिया होगा कहीं से, बट मुझे पर्टिकुलर टाइम पे वो एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है, ठीक है, और गूगल कर लिया करो तो गूगल है ना यार, पहले मैं ये सब कुछ याद करके रखता था बट जरूरत नहीं है पढ़ाने की, लोगों ने ये बोला ना क्यों पढ़ाते हो सर क्यों पढ़ाते हो, तो इंसान होता ना तो नहीं पढ़ाऊंगा, तो एग्जाम्पल तो चाहे मैं हूँ चाहे आइंस्टीन हो चाहे आप हो ये तो स्किप हो जाएंगे, समझे, तो ऐसे क्वेश्चन को गूगल कर लिया करो फिर बात करेंगे। अगला पैलियोमॉन प्रॉन, जो लोग सी फूड खाने के शौकीन रहते हैं उन्होंने झींगा जरूर खाया होगा या पैलियोमॉन जरूर खाया होगा, जैसे पैलियोमॉन आया मतलब ऑर्थोपोडा, कौन सा ऑर्थोपोडा एक्वेटिक, जैसे कि क्रैब होते ना केकड़े वगैरह, तो क्वेश्चन को देखिए आपकी अप्रोच क्या होगी, वो सोच तुरंत आ जानी चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते ही आ गया मेरा, हाँ ये ऑर्थोपोडा में और पानी में रहता है, चलो देखते हैं, इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो फिर हमको ये भी पता है कि जो एक्वेटिक इंसेक्ट हैं जो एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोडा हैं उस ग्रुप का हमने नाम क्या रख दिया था बेटा, क्रस्टेशियन, बता चुका हूं मैं आपको, क्रस्टेशिया में कौन आता है एक्वेटिक ऑर्थोपोडा, जैसे कि क्रैब लॉबस्टर प्रॉन, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको बेटा, चलिए आगे चलते हैं। प्लेग इज स्प्रेड बाय, चलो ठीक है, प्लेग किससे फैलता है बेटा, जो चूहे के अंदर पिस्सू नहीं होता है, जीनोपसिल्ला चियोपसिस, पूरा नाम होता है जीनोपसिल्ला चियोपसिस, सिर्फ जीनस नाम लिखा है स्पीसीज का नाम नहीं लिखा है, तो ये याद कर लो बेटा, प्लेग बहुत खतरनाक बीमारी है, पहले बहुत खतरनाक होती थी, आजकल साइंस के आगे सारी बीमारियां बोनी पड़ गई हैं, बस कोरोना ने साइंस को ऐसा चैलेंज किया है कि देखते हैं कब क्या होगा, ठीक है, तो जीनोपसिल्ला रेट फ्ली बोलते हैं उसको, रेट फ्ली, चूहे के अंदर पिस्सू होते थे, तो जब भी गुजरात में बहुत पहले प्लेग फैला था ना, तो एक चूहा मारने पर कुछ लोगों ने गवर्नमेंट ने प्राइज दिया था कि आप चूहा मारोगे, ऐसे बर्ड फ्लू फैलता है ना तो मुर्गी को मारते हैं, प्लेग फैलता है तो चूहों को मारते हैं, क्योंकि चूहे के अंदर जो पिस्सू होता है ना, फ्ली, फ्लाई नहीं फ्ली, रेट फ्ली का नाम होता है ये।
ये हो गया, दो दो बार हो गया क्या? अरे 23 23, चलो कोई बात नहीं। एलिफेंट्स टस्क शेल एज, सबको पता है मोलस्का में पढ़ाया था, हाथी के दांत जैसा होता है देखने में, गूगल करके देखते रहना आप, एलिफेंट के दांत जैसा होता है तो उसको बोल दिया एलिफेंट टस्क। टस्क मतलब होता है बड़े दांत, कस्क होता है दांतों के शार्प एजेज, लेकिन इलोंगेटेड लंबे दांतों को बोलते हैं टस्क। तो टस्क और कस्क में अंतर है, तो कोई चीज लंबी है तो क्या बोल देना आप, टस्क। तो जी मोलस्का का एग्जाम्पल है, और हाथी के दांत जैसा होता है, एलिफेंट के टस्क जैसा होता है, तो उसको बोलते हैं एलिफेंट टस्क सेल या डेंटेलियम। डेंटा मतलब दांत, तो वैसे भी आप आंसर निकाल सकते हो। अगर ये क्वेश्चन किसी को नहीं आता है तो थोड़ा सा लैटिन वर्ड को फोकस करो, डेंटा मतलब होता है दांत, ठीक है, तो भी आप उसके आंसर तक पहुंच सकते थे। आगे देखो, वो एक क्वेश्चन सर देखना है ना जो रिपीट हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज फर्स्ट कंप्लीटेड इन विच फाइलम, बोलो बेटा। वो पूछ रहा है पहली बार, देखो फ्लैटवर्म कैसा था, ब्लाइंड सैक, और जब भी ब्लाइंड सैक आंसर आएगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा था, इनकम्प्लीट, और जैसे ही आंसर ट्यूब विद इन ट्यूब आ जाएगा ना बॉडी प्लान का, तो ट्यूब विद इन ट्यूब जो बॉडी प्लान है वो कहां से स्टार्ट हुआ था हमारा, राउंड बॉम से हुआ था, तो राउंड बॉम में पहली बार डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट बना था, यानी आगे माउथ मतलब ये मस्कुलर फेरिंग्स था और पीछे एनस था, हमें भी क्या है आगे माउथ पीछे एनस, तो पहली बार इसमें कंप्लीट हुआ, इसके बाद बालों में सब में कंप्लीट ही था। चलिए फिर से टेबल आ गया, बड़ा बड़ा अच्छा टफ क्वेश्चन है, टाइम लेने वाला क्वेश्चन है, टाइम टाइम किसका सही हुआ था, आइडेंटिफाई ए बी सी डी एंड ई, चलिए देखते हैं बेटा। अच्छा ए पे क्या होगा, ऑर्गन क्या है, पैरापोडिया, जैसे पैरापोडिया आया मतलब एनेलिडा के अंदर होता है, ये लिखा है फाइलम एनेलिडा, क्या काम करता है ये, लोकोमोशन, लोकोमोशन करेगा, ठीक है, स्विमिंग करेगा, ऐसा कुछ करेगा ना पैरापोडिया, ठीक है। अब बी बी वाले कॉलम को देखो, टिनोफोरा है, लोकोमोशन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉम्ब प्लेट, तो बी पे कॉम्प्लेट कहाँ पे आ रहा है, बी पर कॉम्प्लेट, बी पर कॉम्प्लेट यहाँ पे आ रहा है, और बी पर कॉम्प्लेट कहीं भी नहीं आ रहा है, तो भाई लोगों तुमको तो जाना ही नहीं है कहीं पर, पहला हो गया। तो देखो अब मैच करो हम सही है गलत, अब मैं ये चेक करके बताता हूँ। देखो पैरापोडिया होता है एनेलिडा में और ये स्विमिंग का काम करता है, तो एक ही जगह क्या आ गया, स्विमिंग। बी टिनोफोरा में होता है, लोकोमोशन करता है, तो क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेट, याद आया, एट सिलियरी कॉम्प्लेट्स हेल्प इन स्विमिंग, मैंने बोला था आपको, तो ये भी सही हो गया। सी मोलस्का रेस्पिंग ऑर्गन, क्या होना चाहिए, रेडुला, ये भी मैच कर गया। आगे देखो मेलपिजन ट्यूबल कहां पे होता है, ऑर्थोपोडा में होता है, और क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो डी क्या होगा, एक्सक्रीशन, ये आ गया, बिल्कुल सही बात है। नीडोब्लास्ट कहां पे होते हैं, सीलेंटेट में, और क्या करते हैं, ऑफेंस डिफेंस, तो डिफेंस आ गया। तो क्वेश्चन टफ था, लेंथी था, लेकिन थोड़ा सा एक क्विक अपने को करना पड़ेगा ना, ऐसे क्वेश्चन नीट में आ गए तो अपने को हार नहीं माननी है, समझे मेरे बच्चों, कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन या डर जाओगे, क्यों विशाल, विशाल का तो माइक ही बंद है, मयूरी हो पाएंगे बेटा, श्रद्धा चौधरी, इतने बड़े क्वेश्चन अगर आ गए तो अपने को टाइम मिलता है 45 सेकंड, क्या आप ऐसे क्वेश्चन को 45 सेकंड में कर पाओगे बेटा, यस सर कर लेंगे। क्या होता है, जो पॉइंट तुमको ऐसे अपने को ये नहीं पता ये क्या है, चलो किसी को ये नहीं पता कि पैरापोडिया क्या करता है, तो बाकी को मैच करके देख लो, जो दो तीन पक्के वाले मैच कर गए ना, और कहीं पर वो मैच नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिक वो आंसर आ जाएगा। इस साल का जो पेपर आया था ना, पेपर थोड़ा सा 20% टफ था लास्ट ईयर से, लेकिन क्या था, ऑप्शन बहुत बिंदास थे, एक भी मैच कर गया आपका तो पूरे टेबल में अपने आप हो जाएगा, एक पॉइंट भी मैच कर गया तो अपने को श्रद्धा भेरे बहुत ही आसानी से हो रहा था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखो, ए निकाइनोडर्मेटा लोकोमोशन इज बाय मींस ऑफ, जल्दी बोलो, अम्बुलेक्रल सिस्टम, जिसको एनसीईआरटी में क्या नाम लिखा होता है बेटा, इसको वाटर मस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम एनसीईआरटी में ये नाम से लिखा रहता है, इसी का दूसरा नाम होता है बेटा अम्बुलेक्रल सिस्टम।
मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होना चाहिए। और ये इसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, यानी प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, या मैं बोलूं प्रेजेंस ऑफ अम्बुलेकल सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा। समझे? जिसका हो जाएगा 3। आगे, विच गिव्स द लिली लाइक अपीयरेंस। जब हम पानी में जाते हैं ना, तो रात में जो वाटर लिली होता है ना, उसके फूल खिल जाते हैं चांदनी रात में। जब आप किसी झील या तालाब पर जाओगे, चांदनी रात में आपको आपको लिली प्लांट देखेंगे, उसके फूल खिल जाते हैं रात में, दिन में बंद होते हैं। इन प्लांट्स के पत्ते छोटे छोटे होते हैं, पानी पर तैरते रहते हैं और फूल निकलता सफेद रंग का, ऐसा बहुत प्यारा नजारा होता है। मैंने देखे हैं बचपन में, बहुत तोड़े हैं ये। तो देखो जरा, वो तो लिली प्लांट है, ये पूछ रहा है कौन सा जानवर लिली की तरह दिखता है। विच गिव्स द लिली लाइक अपीयरेंस, कौन बोलेगा मुझे? एंटीडॉन। एंटीडॉन, एंटीडॉन नहीं है ये, एंटीडॉन। वो आंटी 420 पिक्चर का नाम था, एंटीडॉन भी हो सकती है, मैं किसी को लेके कमेंट नहीं कर रहा हूं, बट ये क्या है? एंटीडॉन। एंटीडॉन को बोलते हैं सी लिली। वाटर लिली मत देना, एक ऑप्शन क्या देगा आपको? वाटर लिली। वाटर लिली के जैसा होता है, वाटर लिली तो बेटा लिली प्लांट का नाम है, इसको आप क्या बोलोगे? सी लिली या एंटीडॉन। अच्छा ये बताओ, ब्रिटल स्टार का नाम क्या होता है? ऑफ्यूरा। सांप जैसी पूछ। ये पेंटासरोस है, समुद्री पेंटागन बोलते हैं। ओके ओके, अच्छा कर रहे हैं बच्चे इस बार। एक काइनोडर्मेटा पॉजेस भाई क्या होता है इसमें? सीडोसिलोम तो नहीं होता, ये तो राउंड वर्म में होता है। साइज होता है एनिलिडा, मोलस्का और ऑर्थोपोडा में। और एंटेरोसिलोम क्या इसमें हो? एंटेरोसिलोम होता है एक काइनोडर्मेटा में, जल्दी बोलो। हाँ सर। है क्या? फटाफट फटाफट फिर से सुन लो। अरे खुदा के नेक बंदो, मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया तुम्हारे सामने। एक काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, हम तीन फाइलम में एंटेरोसिलोम होती है। और इसके अलावा एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, उसमें साइजोसिलोम होती है। और साइजोसिलोम और एंटेरोसिलोम दोनों ही ट्रू सिलोम है। और जो राउंड वर्म है उसमें होती है स्यूडोसिलोम, और फ्लैट वर्म में सिलोम होती नहीं, उसमें क्या उसके पहले किसी में नहीं होती है। समझे? समझे मेरे कंफ्यूजिंग होने वाले बच्चों? समझ में आ रहा है? इतनी बार पढ़ाने के बाद भी अगर आप गलत करते हो ना, तो मेरा तो पारा पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है, कसम से। मतलब एसी में भी पसीना आ जाता है। चलो, आइडेंटिफाई ए ड्यूटेरोस्टोम। क्वेश्चन टफ नहीं है लग रहा है आपको। दो टाइप के ग्रुप होते हैं, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया मतलब जहां पर ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है, उसको बोलते हैं प्रोटोस्टोमिया। स्टोम मतलब माउथ। और दूसरा होता है ड्यूटेरोस्टोमिया, यानी जहां पर ब्लास्टोपोर से एनस बनता है। तो प्रोटोस्टोमिया में कौन कौन आता है बेटा? फ्लैट बॉम, राउंड बॉम, और बोलो एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का। और बाकी के फाइलम किसमें डाल देना आप? ड्यूटेरोस्टोमिया में। यानी हम लोग किसमें आएंगे? ड्यूटेरोस्टोमिया में। हेमिकॉर्डेटा किसमें आएगा? ड्यूटेरो। इकाइनो किसमें आएगा? ड्यूटेरो। बाकी पहले वाले डाल देना किसमें? प्रोटोस्टोमिया में डाल देना। समझे मेरा चार्ट? याद करना किंगडम एनिमेलिया का जो चार्ट था ना फर्स्ट डे का, वो चार्ट से ये जवाब दिए जा सकते हैं। तो ड्यूटेरो मतलब ब्लास्टोपोर से एनस बनाना है। नहीं नहीं नहीं, हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? इकाइनोडर्मेटा हो, मैंने बोल दिया है इकाइनोडर्मेटा। और हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा किसमें आते हैं? ड्यूटेरोस्टोमिया में। तो देखो, ये तो मोलस्का है बेटा, ये आपका फ्लैट बॉम है और ये आपका स्पॉन्ज है। तो बताओ ड्यूटेरो का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? स्टारफिश हो जाएगा। यानी क्वेश्चन इकाइनोडर्मेटा के मैंने कितने डाले, पर कितने घुमा घुमा के डाले कि आपको लगता पता नहीं ये क्वेश्चन कहाँ से आया कहाँ से आया। कुछ नहीं है, यही तो नीट वाले करते हैं, आपके दिमाग से खेलने का काम। चलिए, सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन एनिलिडा में। ट्रू सेगमेंटेशन होता है, वो तो पूछ रहा है सेगमेंटेशन, वो पूछ ही नहीं रहा आपसे ट्रू या फॉल्स। वो क्या कह रहा है एनसीईआरटी वाला, सेगमेंटेशन किस में होता है? तो भाई एनिलिडा में होता है, ऑर्थोपोडा में होता है,
क्वाड्रेटम होता है मतलब सब में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द अबव। सेगमेंटेशन एनिलिडा में होता है, और एनिलिडा में खास करके कौन सा वाला होता है, मेटामेरिज या मेटामेरिक सेगमेंटेशन। लेकिन सिर्फ सेगमेंटेशन की बात चल रही है तो एनिलिडा में भी है, ऑर्थोपोडा में भी है और क्वाड्रेटा में भी है। तो आंसर हो जाएगा अपना 4, 4 नंबर का। 32 क्या अपना, द कॉमन नेम ऑफ टीनोफोर, टीनोफोर को आप कॉमनली किस नाम से बुलाते हो। जैसे मैं अगर आपका नाम लूं, आपसे मैंने कभी निकनेम पूछे नहीं है, लेकिन श्रद्धा जायसवाल तुम्हारा निकनेम क्या है, निकनेम क्या है, क्या पता नहीं, नहीं है ना। तुम्हारा नेट कब सुधरेगा, श्रद्धा को तो आईटी कंपनी में जाना चाहिए और इतना आगे बढ़ना चाहिए कि वो अपने गांव में या जगह पे जहां पे भी रहती है आसपास वो टावर लग जाने चाहिए। राधू क्या नाम है तुम्हारा घर का, राधा। राधिका का राधा चलता है, सही बात है। खदीजा तुम्हारा निकनेम है क्या, नहीं सर। और जिसका खराब होता है पता, वो बताता नहीं है। मैं एक सच्चाई बता दूं ना, जिसका नेम बहुत ही खराब होता है निकनेम, वो बताता नहीं है। तो प्लीज श्रद्धा चौधरी निकनेम क्या है तुम्हारा, नहीं है सर। हंसी आ रही है, मतलब मुझे लगता है होगा। श्रेया वेरे, नहीं है सर। श्रेया नाम लेने में कितनी दिक्कत आएगी, श्रेय श्रेय करने में, मतलब एस एच को प्रोनाउंसिएट करने में जान निकल जाती मेरी। श्रेया श्रेया कैसे बोलेंगे इतना, सब लोग घर में श्री बोल देते होंगे ना, एक वर्ड का नाम बोलते। चलो कोई बात नहीं। वसुंधरा, यस सर। क्या नाम है, जानवी। अरे बाप रे, डिफरेंट नेम, जानवी जानवी। तो आज से वासु को अपन क्लास में जानवी ही बुलाएंगे, और हम चाहते हैं कि 2 साल बाद हम आपको डॉक्टर जानवी बोलें। अब थैंक यू मत बोलना, कई लोग बहुत जल्दी बोलते झाड़ पे चढ़ जाते, मैं डॉक्टर बन गई। नहीं सर, मेहनत करना पड़ेगी, पढ़ाई करना पड़ेगी। डॉक्टर जानवी बोलेंगे, मैडम जानवी हम लोग बोलेंगे, पूरी क्लास बोलेगी। नहीं, बहुत से बच्चे होते ना थैंक यू जैसे बनी गए डॉक्टर, बोलते टाइम ही लगा, थैंक यू सर। मेरा मतलब है डॉक्टर जानवी से बहुत पढ़ाई करना तुमको, ये टास्क है तुम्हारे लिए। हाँ, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा टीनोफोरा का, समुद्री अखरोट, सी वॉलनट, कॉम जेलीज भी बोलते हैं, सी गूजबेरीज भी होते हैं, सी गूजबेरीज भी बोलते हैं, सभी बोलते हैं ना, तो करेक्ट आंसर हो गया सभी वाला। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। फ्लैट बॉम सार, यानी जैसे फ्लैट बॉम आया मतलब वो टीन या सोलियम यानी टैप बॉम की बात कर रहे हैं। अब फ्लैट बॉम सार सिलोमेट हो ही नहीं सकता, असिलोमेट हो सकता है, सिरोसिलोमेट नहीं हो सकता है, यानी सेम क्वेश्चन को पूछ लिया है घुमा फिरा के, बार बार एक ही बात पूछ ली है, और आपको ये बात अब तो पक्का वाली याद हो गई होगी, पक्का वाली। चलो एस्कैरिस ये छोड़ दो, ये बच्चे से डर जाते हैं। जीनस नाम ही आपको पता होना चाहिए, स्पीसीज नाम भूल भी गए ना तो भी चलता है। क्वेश्चन में जीनस के बिना केवल स्पीसीज कभी नहीं लिखा जाता है बेटा, मैं आपको लिविंग वर्ल्ड पढ़ाऊंगा अभी, अकेला स्पीसीज नहीं लिखा जाता है। आपको अगर किसी का नाम लिखना है तो जीनस लिख दो या जीनस के साथ स्पीसीज लिख दो। जैसे मेरा नाम है होमो सेपियंस, आप बोल दो सेपियंस तो कुछ नहीं गलत है बेटा, हाँ होमो बोल दो तो चलेगा, या फिर पूरा लिखना है तो होमो सेपियंस लिखो। तो अपने को ये बोल जाओ एस्कैरिस यानी राउंड बॉम की बात कर रहे हैं वो लोग। कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, सीट बॉम तो बोलते हैं बेटा पिन बॉम को, हुक बॉम बोलते हैं एनकाइलोस्टोमेटा को, फिलेरियल बॉम बोलते हैं बूचेरिया बेनक्रॉफ्टी को। तो अगर कोई पूछे एस्कैरिस का मतलब क्या होता है तो राउंड बॉम, कुछ लोग बोलते हैं राउंड बॉम तो पूरे फाइलम का नाम है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होता है जायंट इंटेस्टाइनल राउंड बॉम। पूरा नाम क्या होता है, जायंट इंटेस्टाइनल राउंड बॉम। लेकिन भाई अकेला राउंड बॉम लिखा है तो ये टिक कर दो, क्या जा रहा हमारा, क्या जा रहा। चलिए इन मोलस्का क्वेश्चन को पढ़ते, ये किस फाइलम का क्वेश्चन है, जल्दी से बोलो। मोलस्का, रुको, जल्दी बोलो, जल्दी बोलना, किसको बोलना है ये, रुको, मयूरी जल्दी से बोलो किस फाइलम का क्वेश्चन है ये।
चलो ठीक है, नहीं बच्चे इसमें भी सोचते, अरे भाई उसमें लिखा है इन मोलस्का, फाइलम का नाम ही दे रहा है, तभी बच्चे सोचते सर पता नहीं किस फाइलम का नाम है। ऐसा नहीं बेटा, गलतियां करते हैं बच्चे, आप भी करो, बट ऐसी भी गलतियां ना करो जो आपको मुझे शर्मिंदा करें, मतलब इतनी छोटी नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको डांट भी सकता हूँ, आपको बुरा भी लग सकता है, बट डांटना पड़ेगा, ये गलतियां करोगे तो नहीं की, बहुत अच्छा लगा मुझे। इन मोलस्का द शेल इज सीक्रेटेड बाय, आपने शंख देखा होगा तो शंख का जो कवर है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उसी शंख के अंदर क्या होते हैं जो मोलस्का वाले एनिमल्स होते हैं, क्योंकि बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट बॉडी होने की वजह से तो उसका नाम क्या रखा गया, मोलस्का। ठीक है, तो इसका जो शेल है वो किससे बनता है बेटा, वो बनता है मेंटल से बनता है, किससे बनता है मेंटल, और मेंटल कहां पर होता है, इसका जो विसरल हंप है ना उसके ऊपर एक स्किन का फोल्ड रहता है जो कि नेचर में कैसा होता है, ग्लैंडुलर होता है, और यही आगे चल के क्या बना देता है, एक्सोस्केलेटन को बना देता है, उस शंख को बना देता है जो कि किस चीज का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। आगे बढ़ू, समझ गए ये वाला क्वेश्चन? हाँ सर। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन इकाइडोडर्मेटा, कॉक्सल ग्लैंड तो बेटा ऑर्थोपोडा में होते हैं, बिच्छू बिच्छू में, ग्रीन ग्लैंड तो किस में होते हैं, क्रस्टेशियंस में होते हैं, ये इंसेक्टा में होते हैं। वैसे आपने एनसीईआरटी अगर पढ़ी होगी ना तो उसमें कुछ ब्रेन ब्रेन कुछ नहीं होता, ब्रेन भी नहीं होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी नहीं होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं होता है, बस ये सारे काम वो कहाँ से कर लेता है, थोड़े बहुत वाटर वेस्कुलर सिस्टम से कर लेता है। तो जैसे हमें किडनी वाला किडनी है, ऑर्थोपोडा में भी बन गए थे आपके बहुत सारे मेलपीजियन ट्यूबल वगैरह ये सब देखो ये, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन से काइनोडर्मेटा में होते ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। आगे हम बात करते हैं फाइंड द ऑड एग्जांपल, ऑड जो सबसे हटके है, तो देखो नीचे से स्टार्ट करते हैं पीछे से, सी कुकुम्बर किसका एग्जांपल है जल्दी बोलो, इकाइनो, 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 वेरी गुड, सी अर्चिन, इकाइनो, वाह वाह वाह, सी लिली, इकाइनो, सी फैन, सिलेंट्रेट शायद, सिलेंट्रेट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी फैन, यानी बाकी के जो तीन एग्जांपल हैं, दो तीन चार नंबर के वो क्या है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा का एग्जांपल है, लेकिन जो सी फैन है जिसको बोलते हैं गॉर्गोनिया वो किसका एग्जांपल है, सिलेंट्रेट का, तो ये अलग हो गया ना तीनों से, ये तीनों एक ही फाइलम में आते हैं, ये आता है सिलेंट्रेट में, तो अपने को ऑड वन निकालना था, तो आंसर हो गया अपना सी फैन। चलिए आगे, बेलेनोग्लॉसस बिलोंग्स टू द ग्रुप, देखते नाम समझ में आ गया, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, नॉन जो अपना हेमिकॉर्डेटा है उसके एग्जांपल याद करो जरा, बेलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस, तो उसने पूछा है जो आपका टंग बॉम है या जो बेलेनोग्लॉसस है वो किस फाइलम में आता है, हेमिकॉर्डेटा में आता है। अगला, इन मोलस्क का बॉडी इज कवर्ड विद एक्सटर्नल स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कुछ बच्चों ने ये टिक तो नहीं कर दिया है, नहीं, क्योंकि स्पॉन्जिन फाइबर्स किस में होते हैं, पोरिफेरा में, काइटिन का कवर कहाँ पे होता है, ऑर्थोपोडा में, ओके, अब ये कहीं और होता होगा, ऐसे दे दिया है आपको ऑप्शन कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पर ये और ये हो सकते थे, बट आपने पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी में कि मोलस्का में जो कवर होता है, जो शंख वगैरह होता है ना, वो काय का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। चलो अब क्वेश्चन करो, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल प्राइमरली शोज, ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट कहां से हुए थे मुझे इतना बोलो, कहां से स्टार्ट हुए थे, प्लैटीहेलमिंथिस या फ्लैट बॉम से स्टार्ट हुए थे, तो देखिए जरा ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या शो करते हैं, रेडियल सिमेट्री तो नहीं करेगा बेटा, हाँ बायलेटरल कर सकता है, ये भी हो सकता है, सोचने वाली बात है, वो पूछ रहा है प्राइमरली क्या शो करता है, कौन बताएगा इसका करेक्ट जवाब, बायलेटरल सिमेट्री, क्यों, अगर आपने ट्रू सीलोम बोला तो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो राउंड बॉम्ब भी है, क्या उसमें ट्रू सीलोम होता है, नहीं, नहीं। अगर आपने सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बोला तो बहुत से ट्रिप्लोब्लास्टिक है मछलियां, वो कहां पे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करती हैं, आप कई मछलियां ऐसी हैं आप देख के बता नहीं पाओगे ये मेल मछली है कि ये फीमेल मछली है,
लेकिन ये पॉइंट सब पर अप्लाई होगा, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है दुनिया में वो सब ये पॉइंट तो जरूर ही शो करेंगे. विच वन इज ब्रिटल स्टार? पॉप्यूरा. अभी आया था ना क्वेश्चन, बस वही है. अच्छा लॉलीगो क्या होता है फिर? लॉलीगो स्क्विड. सी एरो, सी स्क्विड समुद्री तीर. कुकुमेरिया सी ककंबर. एस्टेरियस स्टारफिश. चांद तारों का आसमा हो, स्टारफिश. अगला नर्व सेल आर नॉट फाउंड इन स्पॉन्जेस. क्योंकि पहली बार सीलेंट ट्रीटमेंट नर्व सेल बने थे, उसके पहले नहीं थे, तो स्पॉन्ज मिल गया ना. बाकी सब में तो होंगे, पहली बार इसमें बने थे और इसके बाद वालों में तो वैसे भी होंगे ही, लेकिन पोरीफेरा में न्यूरॉन्स नहीं बना था. न्यूरॉन्स इस धरती पर पूरी दुनिया में पहली बार सीलेंटेट में फर्स्ट टाइम अपीयर्ड हुआ था, और वो भी अपोलर टाइप का था. विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ लिविंग फॉसिल? सबको पता, जल्दी बोलो जल्दी. किंग क्रैब. इसको बोलते हैं लिंबू का रस. क्या बोलते हैं जल्दी बोलो? लिमुलस. किंग क्रैब या हॉर्सू क्रैब. मैंने आपको इमेजेस दिखाए थे जब ये टॉपिक लिया था. लिविंग फॉसिल का मतलब क्या होता है? जो चीजें कई सालों से, कई हजारों सालों से आज भी बिना किसी परिवर्तन के, बगैर किसी चेंज के, अभी भी वैसे के वैसे पड़े हैं, यानी उनका एवोल्यूशन हो ही नहीं रहा है. ऐसा लग रहा है कि एवोल्यूशन रुक गया है. सोचो लाखों साल पहले जो थे वो आज भी वैसे के वैसे हैं, उनमें कोई भी एडवांसमेंट नहीं हुआ है, तो उसको हमने बोल दिया लिविंग फॉसिल. वैसे फॉसिल क्या होता है? जो चीज इस दुनिया से विलुप्त हो गई है, पर ये लिविंग है, तो बोलते हैं लिविंग फॉसिल. और फॉसिल के समान इसको एक मुहावरा जैसा, क्योंकि फॉसिल नहीं है एक्चुअली. लिविंग फॉसिल मतलब ऐसी जिंदा चीज जो लाखों सालों से आज भी अनचेंज्ड है. फंक्शनल सिस्टम फॉर स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शनल आर नॉट सीन. यानी ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहा है वो. ऑर्गन सिस्टम किसमें नहीं होते हैं जल्दी बोलो? सीलेंटेड. इसमें होते हैं, इसमें होते हैं, इसमें होते हैं, इसमें नहीं होते. देखो क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया ना मैंने, टेढ़ा थोड़ा सा. सर क्वेश्चन समझा ही नहीं. मुझे पता था ना, फंक्शनल सिस्टम ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहा है. ऑर्गन सिस्टम क्या करते हैं बेटा? फिजियोलॉजी. मेरा जो नर्वस सिस्टम है, मेरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यही तो मेरी क्या है, यही तो क्या मेरी फिजियोलॉजी नहीं है क्या? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को टफ किया था, लेकिन किसका सही हुआ था ये क्वेश्चन? जल्दी से बोलो मुझे, किसने सही किया था बेटा? अब तुम में से आधे लोग तो देने आते नहीं बेटा. मैं मतलब कंप्लेन किससे करूं, शिकायत किससे करूं? तुमको टीचर की बात माननी नहीं है, और अब आप इतने छोटे नहीं हो कि मैं आपको बहुत ज्यादा डांट पाऊं. क्योंकि बचपना जब रहता है तो आप बच्चों को डांट भी सकते हैं, और उनका कैसा रहता है, थोड़ा सा बुरा लग जाता है, बुरा मानते नहीं बच्चे. अब आपकी एज कैसे कि मैं आपको डांटूंगा ना ज्यादा, तो आपको बुरा लगेगा, बोलोगे सर आपके पास पढ़ने ही नहीं आना. तो टेस्ट पेपर को दो ना बेटा, आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे. मैं ये नहीं पता कर पा रहा हूँ किसका ये क्वेश्चन सही हुआ था, तो मुझे पता चलेगा मेरे क्लास के बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कमी है, मुझे क्या और करना चाहिए. सो प्लीज टेस्ट पेपर देने की कृपा कर दिया करें थोड़ा सा, क्योंकि फीस भर के आपने कोई एहसान नहीं कर दिया है. एहसान अगर मुझ पर करना है तो टेस्ट पेपर देने आओ, तब तो मैं मानूं, वो एहसान हो जाएगा मेरे ऊपर, मान लूंगा मैं आपको, सैल्यूट कर लूंगा. ठीक है, नेक्स्ट टाइम से प्लीज ध्यान रखना. तो फंक्शनल सिस्टम यानी ऑर्गन सिस्टम जो कि स्पेशल फिजियोलॉजी में काम में आते हैं, वो किस में नहीं होते हैं? सीलेंटेट में नहीं होते हैं बेटा. लास्ट क्वेश्चन है आज का, स्पीसीज ऑफ सिल्क मॉथ रियर्ड ऑन कैस्टर लीव्स इन. ओके 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 ओके. अब यहाँ पर ये पॉइंट थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रहा है. जहां तक मैं सिल्क मॉथ की बात कर रहा हूँ, सिल्क बॉम की बात कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं बॉम्बिक्स मोराई, और ये रेशम बनाता है, और रेशम की खेती कहाँ पे होती है? चाइना में. बट यहाँ पे लीफ का कुछ कैस्टर लीफ बताया इसने, क्योंकि ये तो बेटा शहतूत के पत्ते पर होते हैं, बेर के पत्ते पर होते हैं. ठीक है, अभी और देखता हूँ, वरना ये आंसर होगा. लेकिन कहीं पर भी कैस्टर लीफ इन यही होगा बेटा, बॉम्बिक्स मोराई.
फिर भी कुछ लगा तो हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था अपना पेपर का डिस्कशन था। आप लोगों को डिस्कस करने से क्या फायदा मिलता है कि जो गलतियां आपने की या फ्यूचर में करोगे, आज हमने उन चीजों पर डिस्कस किया है, नेक्स्ट टाइम मत करना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और जिन लोगों का भी थोड़ा सा हेल्थ का प्रॉब्लम है ना, अपने आप को अच्छे से संभालें। हम प्रे ही कर सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे का दुनिया में जो भी बंदा है बीमार है तो वो ठीक हो जाए। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि हमारे बच्चे ठीक हो जाएं, बाकी लोगों के बच्चे बीमार हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जो भी परेशान है इस टाइम पर स्टूडेंट, कोई भी हो एक्स वाई जेड, उनको हेल्थ में फ़ायदा मिले, ऐसी दुआ करते हैं, प्रे करते हैं। बाकी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। कल फिर से मिलते हैं। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर।